I am a science teacher, Mr. Sanjay Morulia. Student, today we are going to start the first chapter and the first event, that is food. And the first chapter of our unit number one is food. Where does it comes from? Student, Sanjay Kalagas, good. Can you tell me the definition of food? Food किसे कहते हैं? भोजन क्या चीज? तो जब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे the concept of food, okay? जैसे food में कहीं दिया नहीं है, सिर्फ आपको ओनली ध्यान में रखना, ठीक है? The substance, whatever that we eat to get the energy and for the sustained growth of the body is called food. दोबारा repeat करो. Yes. हिंदी में बताओ पहले, ठीक है? भोजन वह पदार्थ है जो जो कुछ भी हम खाते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, उसे हम भोजन कहते हैं, ठीक है? तो ये फूड की डेफिनेशन हो गई. द सब्सटेंस व्हाटएवर वी ईट टू गेट एनर्जी एंड फॉर द सस्टेन ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फूड. ये बुक में ये डेफिनेशन कहीं भी नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना इसे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी वांट टू सी नीड फॉर फूड. हमें भोजन की जरूरत क्यों है? क्यों खाना खराब होता है? उसी की सी बात है, एक दिन फास्ट करके देखा होगा, पता लग गया होगा. यू कांट डू एनीथिंग विदाउट मेकिंग अ फूड. बिना भोजन किए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज यू डोंट गेट एनर्जी. आपको ताकत ही नहीं मिल पाती, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप काम कैसे करेंगे? क्योंकि ऊर्जा का काम के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है. बोलेंगे कैसे? तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. ऊर्जा काम करने की क्षमता को कहते हैं, ठीक है? और काम तब होगा जब हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, या फिर आकर मिलेगी, ठीक है ना? तो जो देखते हैं, सबसे पहला ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लिव एंड टू ग्रो देयर बॉडी. थैंक यू. And to perform the various functions of the body, we take food. Each and every living organism needs food, from microscopic to megascopic. छोटे से लेके सूक्ष्म जीव से चींटी से लेके हाथी तक सभी सजीवों को भोजन की जरूरत होती है, ठीक है? और यह भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे प्राप्त करते हैं? Different animals have different food habits. अलग अलग जानवरों की अलग अलग भोजन ग्रहण करने की एक आदत होती है और अलग अलग तरीके का भोजन उनका सिस्टम से अलग अलग तरीके से खाते हैं. तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं नीड फॉर फूड, है ना? हमें भोजन की जरूरत क्यों है? सबसे पहला पॉइंट होता है व्हाई वी टेक फूड, टू गेट एनर्जी. सबसे पहली बात, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा मिलने के लिए हमें भोजन लेना पड़ता है. सेकेंड, फॉर द सस्टेन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ओके, हमारे शरीर की उचित व्यवस्थित ऐसी ग्रोथ हो या बाढ़ हो, इसलिए हमें भोजन लेना पड़ता है. एंड द फूड मे बी बैलेंस और बैलेंस डाइट, है ना? हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए. संतुलित भोजन खाने से क्या होता है कि शरीर के हर अवयव की उत्तम विकास होता है, उसकी बाढ़ होती है, ठीक है? तीसरा पॉइंट होगा हमारा टू रिपेयर और टू हील अप द वाउंड्स और इंजुरीज. भोजन ग्रहण करने के पीछे का जो कारण है, अगर आप एक्टिविटीज करते हैं ग्राउंड पर इंज्योर हो जाते हैं, तो अगर आपका भोजन संतुलित नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, तो जख्म जल्दी नहीं भरते. इसीलिए उचित मात्रा में आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये सभी न्यूट्रिएंट की मात्रा उचित हो तो आपके शरीर का विकास अच्छा होगा और साथ ही साथ आपकी जितनी भी शरीर के अंदर खामियां हैं, जरूरतें हैं, या जो भी आपकी इंजरीज वगैरह हैं, वो रिकवर होती हैं. उसके बाद में चौथा पॉइंट होता है व्हाई टू टेक फूड फॉर द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड वेल कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारे शरीर के सभी ऑर्गन उचित सिस्टम से काम करें, इसलिए हमें फूड लेना पड़ता है, ओके? अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ
फूड, तो ये नीड फॉर द फूड में हमने डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, भोजन का महत्व क्या है, ऊर्जा मिलने के लिए, शरीर का विकास होने के लिए, है ना, देखा हमने। और उसके बाद में देखा कि इंजरी को डेवलप करने के लिए, ये सभी पॉइंट जो हमने नीला फूड में देखे वही सेम पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ फूड में। अब सबसे मेन पॉइंट आता है हमारा, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड। ओके स्टूडेंट, हम इस पर फोकस करेंगे। तो सोर्सेस ऑफ फूड में हम बात करेंगे, देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ द फूड फॉर ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल आल्सो, एंड मेन सोर्स ऑफ द फूड इज ग्रीन प्लांट्स। तो फर्स्ट कैटेगरी अगर बात करते हैं तो फूड का जो मुख्य स्रोत है तो वो है वनस्पतियां, है ना, हरी वनस्पति, और दूसरा सोर्स है एनिमल्स, है ना। तो पहले प्लांट से बात करेंगे, प्लांट इज अ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फूड, बिकॉज वाई वी आर ह्यूमन बीइंग, वेल हम प्लांट का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो खाते हुए, पता है आपको, आप फल खाते हैं, आप फूल भी खाते हैं, आप पत्ते भी खाते हैं, आप जड़ भी खाते हैं, और आप प्लांट का स्केल भी खाते हैं। बोले मैं सर समझ में नहीं आया कैसे, चलो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट में से हम पहले बात करेंगे, सबसे पहले रूट, जड़े कौन सी खाते हैं, आप रूट खाते हैं, अरे कैरेट इज अ रूट, है ना, कैरेट, रेडिश, टर्निप, दीज आर द roots and the parts of the plant that under the ground is called root, hai na, the descending part of the plant below the soil is called root. To zameen ke niche ka jo hissa hota hai vanaspati ka usse hum root kehte hain, hum root bhi khate hain, theek hai. Uske baad hum baat karenge isme example, root mein kaun kaun se example dekhe humne, humne radish, carrot, अगेन टर्निप, ये एग्जांपल है इसके रूट में। फिर हम प्लांट का दूसरा हिस्सा खाते हैं, क्या कहते हैं, स्टेम, स्टेम कौन सा खाते हैं, अरे स्टेम खाते हैं सर, बोले स्टेम कैसे खाते हैं, नहीं खाते है? आप स्टेम खाते हैं, शुगर के का कौन सा हिस्सा खाते हैं, पत्ते खाते हैं कि जड़ खाते हैं कि उसका स्टेम खाते हैं, यस स्टेम, तो शुगर के नहीं, गन्ना है, गन्ने का हम स्टेम खाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बहुत से अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जैसे पोटैटो है, उसके बाद में जिंजर है, ओनियन है, ये जमीन के अंदर वाले स्टेम से अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं, ठीक है। तो जिंजर, उसके बाद में गार्लिक, ओनियन एंड शुगर केन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टेम, द प्लांट पार्ट दैट वी ईट, वनस्पति का वह हिस्सा जो हम खाते हैं, तो उसे हम ईटेबल पार्ट कहते हैं। उसके बाद में आप पत्ते भी खाते हैं, वनस्पति के पत्ते खाते हैं, कौन कौन से पत्ते खाते हैं, लीव्स खाते हैं, यस नंबर थ्री लीव्स, लीव्स में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लीव्स इन द प्लांट, लीव्स इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, व्हाई, बिकॉज लीव्स इज द ओनली ऑर्गन ऑफ द प्लांट दैट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यस। वनस्पति में पत्तों को किचन कहा जाता है, क्योंकि पत्ते में ही क्या किया जाता है, भोजन का निर्माण किया जाता है, जैसे आपके घर में किचन होता है, किचन क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, वैसे ही वनस्पति में खाना पकाने वाला कौन सा आगे है, पत्ते। अब खाना वहां पक रहा है तो जाहिर सी बात है खाना भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल वहां होता है, ठीक है। और वनस्पतियों में जो लीव्स होते हैं वो खाने वाले जो हिस्से हैं, ऐसे वनस्पतियां जिनके पत्ते खाते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं, यस गुड, स्पिनच, है ना, पालक, इसके पत्ते खाते हैं, बहुत सारी सादी सब्जियां हैं, है ना, फेनुग्रीक है, मेथी, उसके भी आप पत्ते खाते हैं, सीख भी खाते हैं, लेकिन हम पत्तों में बात करेंगे, फेनुग्रीक। अगेन नंबर फोर, आप प्लांट से फ्रूट भी खाते हैं, सीड भी खाते हैं, बहुत से ऐसे प्लांट का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जो हम नहीं खाते। हमने रूट देखा, स्टेम देखा, लीव देखा, अब हम देखते हैं फ्लावर्स, फ्लावर फूल खाते क्या भाई, फ्लावर्स, फ्लावर का नाम लेती आपको समझ में आ गया, हम कौन सा फ्लावर खाते हैं, यस कॉलीफ्लावर, हम उस प्लांट के अंदर का ओनली फ्लावर खाते हैं, इट इज द वेजिटेबल, यूज एज अ वेजिटेबल, है ना।
उसका हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कॉलीफ्लावर। उसके बाद में और भी एग्जांपल हैं इसके पावर में, ठीक है, हम एक एक दो दो। फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा फ्रूट्स। वनस्पतियों से आपको बहुत सारे फ्रूट के नाम मालूम है, फ्रूट खाते हैं, यस, वनस्पतियों से हमें बहुत सारे फ्रूट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, फिग है, बहुत सारे है। ये सब फ्रूट्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं। देन द सिक्स्थ नंबर इज फूड ग्रेन्स, सीरियल्स, अनाज मिलता है आपको, जैसे व्हीट है, राइस है, उसके बाद में मेज है, ये ज्यादा सीरियल्स, इनसे आपको क्या मिलता है, अनाज मिलता है, पल्सेस है, पीज है, ये सब बीन वगैरह, ये सब आपके क्या है, अनाज है। ऑल दीज थिंग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, अ वैरायटी ऑफ प्लांट, अलग अलग वनस्पतियों से अलग अलग तरह के प्लांट फूड मिलते हैं। हियर वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट कैटेगरी, द सोर्स ऑफ फूड, है ना, वनस्पतियों का ये भोजन का जो मुख्य स्रोत है, जो वनस्पति है, और पहली कैटेगरी हमारी समुद्र। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, आपको वनस्पतियों की तरह प्राणियों से भी भोजन प्राप्त होता है, होता है। प्राणियों से क्या क्या मिलता है, आपके घर में गाय है, यस, ऐसे क्या मिलता है आपको, दूध, करेक्ट। तो समथिंग दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सच एज मिल्क, मीट एंड फ्रेश फूड, हम से तो भी चलेगा, मिल्क, मीट, फ्रेश, अगेन खाने लायक कोई चीज अगर मिलती है तो आप क्या, एग्स, एनिमल्स से मिलते हैं, है ना, अंडे आदि, ये वनस्पति से नहीं मिलते, एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। प्राणियों से हमें दूध मिलता है, मांस और अंडे आदि खाने लायक पदार्थ मिलते हैं। इनमें से अलग अलग एग्जाम्पल है, कैन यू टेल मी द मिल्क सिक्रेटिंग एनिमल, यस, हमारे महाराष्ट्र क्षेत्र में जनरली गाय को हम गौ माता कहते हैं ना, तो गाय से दूध का दूध मिलता है, और दूध के बहुत दुग्धजन्य हम पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, दही, दूध, दही, पनीर, घी आदि, बटर वगैरह सब दूध से बनता है। उसके बाद में मांस देने वाले जानवर है, मीट, फॉर एग्जाम्पल चिकन है, हेन है, गोट है, इनसे हमें क्या होता है, मीट या फ्लेश प्राप्त होता है। एंड एक लिविंग बर्ड्स में कोई एग्जाम्पल बताइए, अंडे देने वाले कोई जानवर, बर्ड्स, यस, हेन, देन अगेन ऑस्ट्रिच, इमो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक लिविंग बर्ड्स। इन दिस वे फ्रॉम दिस टू कैटेगरीज प्लांट्स एंड एनिमल्स द ह्यूमन बीइंग ऑब्टेन their food, okay. Now we want to say on the basis of eating habit, the animals are classified into three categories. ठीक है ना? Eating habit के आधार पर animal को classified किया है. Animals are classified into three categories on the basis of which one? Eating habit. First one is herbivores. Second is carnivores, and third one is omnivores. अब हर का मतलब होता है वनस्पति, हर भारी वनस्पति, ठीक है, हरी वनस्पति का मतलब है घास खाने वाली, मराठी में उसे तृणभक्षी बोलते हैं, ठीक है, तो घास खाने वाले जानवर है वो सिर्फ घास ही खाते हैं, दूसरा किसी भी पदार्थ को वो नहीं खा पाते। फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी कैटल्स हैं, कैटल में काउ वगैरह सब जाएंगे, कैटल्स, बियर, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल, गोट, कैमल, एलिफेंट, दिस आर ऑल हर्बीवोरस एनिमल, समझ में आया, जो सिर्फ घास खाते हैं और घास से उन्हें क्या होती है, एनर्जी आती है, क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज होता है, एंड दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फॉर दैट फूड, देयर पाउडर और फूड दैट दे ईट, जो भी खाते हैं उनसे उन्हें ऊर्जा मिलती है। सेकेंड कैटेगरी हम बात करेंगे हमारे कार्निवोरस, व्हाट इज मीन कार्निवोरस, द एनिमल दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स इज कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस का एग्जांपल बताइए, मांस खाने वाले जानवर का नाम बताइए, यस, लायन,
टाइगर, अगेन वुल्फ, बहुत सारे हैं बर्ड में भी है, ईगल, वल्चर, दिस आर आल्सो कार्निवोरस एनिमल, क्रो आल्सो। ओके एंड लास्ट कैटेगरी यू इंक्लूड इन दैट, ओके ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स, है ना। वह कैटेगरी जानवरों की जो वनस्पति से वनस्पति जन्य पदार्थ भी खाते हैं और प्राणियों से मिलने वाले पदार्थ भी खाते हैं, उसे ओमनीवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, यस ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बियर, डॉग, कुत्ता रोटी भी खाता है मांस भी खाता है, भालू ऐसा ही है, क्रो कौवा अनाज भी खाता है और मांस के टुकड़े भी खाता है, ठीक है। It is sufficient for today. In the next lecture, we will see the remaining part of that lesson. Thank you, students.